हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर आपको तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको बता रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। क्लियर? सो एक एक स्टेटमेंट रीड करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। सो पहला स्टेटमेंट कहता है द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी ऑफ द एच ए बॉन्ड वेयर ए इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बिल्कुल ट्रू बात है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू है कि आपका जो भी एच ए का जो डिसोसिएशन होता है, एच ए जो बॉन्ड है, इसको हम एसिड बोल देते हैं लेट्स से। तो ये जो बॉन्ड है, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एक्सटेंट होगा, मतलब किस हद तक ये टूट सकता है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इसका जो होगा, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या ये बॉन्ड में पोलैरिटी कितनी है। ठीक है? और ए क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये जो बॉन्ड है ये काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है, तो इसको तोड़ने का बहुत मुश्किल होगा। ठीक है? या इसमें पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, तो भी इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? सेकंड में देखते हैं एज द स्ट्रेंथ ऑफ एच ए इंक्रीजेस, जैसे जैसे एच ए बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड डिक्रीज है। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी ना बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, राइट? सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड में लिखा है एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एच ए इंक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस। ये बिल्कुल ट्रू है कि आपका जैसे जैसे बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाएगा, मतलब ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ से एच एफ ले लिया, ठीक है, एंड एच ओ एच बॉन्ड ले लिया, ठीक है, तो हमें पता है कि फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरिन क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको इजीली कैरी कर सकता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है? बट यहां से अगर H पॉजिटिव निकल जाए, यहां पर भी H पॉजिटिव निकल गया और यहां पर भी निकल जाए, तो यहां पर OH नेगेटिव बचेगा। ठीक है? ये OH नेगेटिव बच गया, तो OH नेगेटिव में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली फ्लोरीन से कम है, तो ये नेगेटिव चार्ज को इतने स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा। सो इस वजह से आपका HF एक स्ट्रांग एसिड होता है इन कंपैरिजन टू H2O। क्लियर? सो आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस विल बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।